हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी मेरे पास गाड़ी आई है पसार्ट, इसका डलना है टाइमिंग बेल और वाटर पंप। इसका वाटर पंप लीक है और इसमें डलना है टाइमिंग बेल और भी सारे काम है इसके, पर मैं पहले इसका वाटर पंप डालूँगा और टाइमिंग बेल्ट डालूँगा इसका। ये वाटर पंप है, ये आपको दिखा दूं मैं, ये रहा वाटर पंप और टाइमिंग बेल्ट भी है इसकी। तो गाड़ी लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल गई है, तो बेहद ही ज़रूरी है इसके साथ करते हैं चेंज करना। ये हमारा टाइमिंग कितना है, पूरा साथ नहीं आया है। ये बेल्ट है तो टेंशनर। दोस्तों, मैंने गाड़ी की बहुत सारी फिटिंग खोल दी है, वाटर पंप डालना है। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लीकेज था, कूलेंट का ढक्कन, वो बोतल जो है कूलेंट टैंक का, पूरा ही खाली हो जाता था इसमें गाड़ी में। और ये गाड़ी हमारे पास आई, हमने अच्छे से डायग्नोस करा इसको, सारी हर पाइपें देखा जहाँ से कूलेंट सर्कुलेट होता है, इंजन में जाता है और वापस आता है, घूमता है। सारी पाइपों देखने के बाद हमें डायग्नोस में मिला कि इसका वाटर पंप लीक है, और ज़्यादा मात्रा में वाटर पंप लीक होने की वजह से इसकी टाइमिंग बेल्ट भी ख़राब हो गई है, जिसे हम साथ में रिप्लेस करेंगे। बहुत सारी फिटिंग खोलनी पड़ती है इसमें, कह रही है तो थोड़ा ठीक ही है। जो पुरानी मॉडल डीजल इंजन है 1.5 1.6, इनसे थोड़ा बढ़िया ही फिटिंग है दिया हुआ इसका। ये 2.0 है टॉप मॉडल वाले डीजल। तो खोलने वाला हूँ मैं, ये मैंने टाइमिंग बेल्ट एडजस्टर टेंशन का करा दूज, ये मैंने लगाया नंबर के एल्ट, और गया पीछे, मैंने पीछे को घुमाया, अब ये बेल्ट हो गया लूज, अब ये आसानी से निकलेगा। अगर लॉक ना भी करो फिर भी टाइमिंग पे इसको सेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। ये हमने कैम को लॉक कर रखा है, यहाँ पे कैम शॉफ्ट को लॉक कर रखा है, ठीक है। और नीचे जो इसकी क्रैंक पुली है, इसमें मैंने निशान लगा रखा है। वैसे इसकी मेन पुली और जो टाइमिंग का कवर है नीचे वाला, उस पर एरो बना होता है, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हो टाइमिंग, नहीं तो कोई मार्कर लगा दे, पेंट लगा के क्रैंक शॉफ्ट की टाइमिंग को बराबर रख सकते हो। खोलते टाइम ये ध्यान रखना, हमेशा खोलते टाइम लगाना है। और ये इसके लिए हमने इस गाड़ी को खोला है और जिसकी कंप्लेंट आई थी, वो भी मैं उसको भी बोलूँगा। ये मैंने खोली वाटर पंप इसकी, अब इसकी रिंग किसी नहीं है, इस कारण दिक्कत रहता है। इस वाटर पंप सेंसर लगा होता है, कई बार सेंसर की तरफ से भी दिक्कत आता है। वो नया डालेंगे, ये पुराना है, अपना वाटर पंप है, ये नया वाटर पंप तो खोल दिया। अब इसकी सफाई अच्छी से करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें तेल सीमा हुआ है, ये मिट्टी, ये डस्ट बहुत ज़्यादा ही है, इसको क्लीन करना है पड़ेगा अच्छे से। तो जहाँ वाटर पंप लगना है वहाँ का भी जंग जो है उसको अच्छे से साफ क्लीन करना पड़ेगा। ये मैं लेके आया एमरी पेपर 600 नंबर, कभी भी इसको खोलते टाइम पतले
एमरी पेपर से क्लीन करें, क्योंकि इससे बढ़िया होता है। अगर मोटे वाला हम एमरी पेपर लेंगे उससे लाइनिंग आ जाती है हल्की हल्की, तो वो काम थोड़ा सही नहीं होता। ये पतले वाला लेके आए, इसे करें। एक अभी मैंने क्लीन हूँ, एमरी पेपर से साफ वाटर पंप की जगह जहाँ पे बहुत सारा जंग लगा हुआ था एकदम क्लीन हो गया। ये एमरी पेपर मारने से आहा मज़ा ही आ गया, बिल्कुल साफ क्लीन सुथरी दिख रही है बिल्कुल। मार्केट में भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग इसमें सीलेंट लगा देते हैं, टेनेफोन ट्यूब लगा देते हैं, पर ये बिल्कुल ही गलत है। इसमें हल्की सी इंजन ऑयल लगाए ये हम ऊपर जा रहे हैं नया वाटर पंप। ये नया वाटर पंप मैंने फिक्स कर दिया, अब बारी है टाइमिंग किट डालने की, वो भी हम करेंगे। ये रहा टाइमिंग बेल्ट एडजस्टर, तो टाइमिंग बेल्ट के मूवमेंट को एडजस्ट करता है। ये टाइमिंग बेल्ट चढ़ा दी मैंने, अब करना है इसको एडजस्ट। ये हमने लगाया 6 नंबर की हल्की, ये घुमाया इसको, ये बेल्ट हो गई एडजस्ट, अब हम करेंगे इसको टाइट। डाल दी मैंने टाइमिंग बेल्ट इसकी, वाटर पंप हो गया। टाइमिंग बेल्ट के साथ टेंशनर जो आता है, एक ये छोटा टेंशनर, ये एडजस्टर टेंशनर है, और ये दूसरा, एक दो तीन चार, एक वाटर पंप, 5 चीज़ें चेंज हुई हैं। तो मैंने पंप लॉक कर रखा था यहाँ पे, अब ये निकालूँगा। ये जो पेन लॉक कर रखा था इसको मैंने निकाल दी, घुमा के टाइमिंग चेक करूँगा इसका। अब इसको घुमा के एक राउंड पूरा और चेक करनी है टाइमिंग, कि जो टाइमिंग जहाँ पर मैंने बांधा है वहीं पर है या थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, ये कम्प्लीटली चेक करना पड़ता है। ध्यान रखें
अगर जो भी भाई काम कर रहे हैं मैकेनिकल, किसी भी गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट पाते हैं, तो भाई ध्यान रखना है कि हमेशा ध्यान रखना है इस बात का कि टाइमिंग बेल्ट डालने के बाद एक दो राउंड घुमा के टाइमिंग जरूर चेक करें, अन्यथा इससे नुकसान होता है। जो मैकेनिक भाइयों को पता होगा कि क्या नुकसान होता है, कई बार गाड़ी लंबी सेल्फ लेने लग जाती है। मैंने इसको घुमाया, तो राउंड पूरा होने वाला है, थोड़ा सा ज़्यादा घूम गया, इसको मैं करता हूँ पीछे। एक मैंने यहाँ लॉक कर रखा था, तो ये लॉक हो गया। दूसरा यहाँ लगाया था कैम साफ में, ये लॉक हो गया। टाइमिंग सही है, जहाँ मैंने जैसे सेट कर रखा था बिल्कुल वहीं पर, वहीं का वहीं है। थोड़ा सा भी घुमा नहीं है इधर उधर, कई बार ये हो जाता है कि घूम जाता है। यहाँ पर मैंने निशान लगा रखा था जो दिखेगा नहीं, जहाँ मैंने निशान लगा रखा था ब्रेक साफ के साथ, वहाँ पर मैंने कर दिया। इसका नीचे वाला टाइमिंग कवर है बहुत ही गंदा था, इसका भी बुरा हाल था, इसको भी ब्रेक लगाना पड़ा, इसका भी बुरा हाल था, पूरा डस्ट जमा हुआ था पिछली साइड में। दोस्तों जैसे मैंने बताया था वीडियो में कि इसके टाइमिंग मिलाने के और भी तरीके हैं, ये आप कवर पे देख सकते हैं पैरों का निशान बना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ 40 मतलब ऑन टाइमिंग, ठीक है। ये इसकी मेन पुली है, मेन पुली के पीछे कट बना होता है, ये कट देख रहे हैं आप, मैं दिखा देता हूँ सही। ये रहा कट, इस कट को पैरों के बिल्कुल सामने लाना पड़ता है, यहाँ पर ये टाइमिंग पर है, और ऊपर केन और हाई प्रेशर डीजल पंप है जो, उसका टाइमिंग सही से देखना पड़ता है, लॉक करना भी पड़ता है। बस टाइमिंग यही है इसकी, बहुत ईजी है, आप भी कर सकते हैं। दोस्तों गाड़ी का सारा काम हो गया, वाटर पंप डाल दी, टाइमिंग किट भी डाल दी, अब टेंशन बदलना है। ये हमारा पुराना टेंशनर ये ख़राब हो गया, पुली में बीच में कट बन गया है जो बेल्ट को काट रही है, चेंज करना है साथ में। ये हमारा नया वी बेल्ट है, ओरिजिनल है VW का, और ये हमारा नया टेंशनर है। इसकी कॉस्ट देखते हैं, टेंशनर होगी कितने की, कहाँ लिखा है इसके 6,022 रुपये का, ये है भाई साहब। और वी बेल्ट इसका, इसका भी रेट बता देता हूँ, 668 रुपये का है ये भाई साहब, बहुत महंगी है टेंशनर, पर काम भी इसका बहुत है। अगर ये ख़राब हो जाए आवाज़ बहुत आती है। ये चला दी मैंने बेल्ट, अब पिन का लॉक निकालने के लिए ये पिन निकालना पड़ेगा, एडजस्टर का लॉक निकालने के लिए इसको पानी से करना पड़ेगा मूवमेंट इसका, फिर निकालना पड़ेगा। ये चढ़ा दी मैंने वी बेल्ट, पिन भी निकाल दी एडजस्टर का, सारा काम हो गया। इसका वाटर पंप डल गया, टाइमिंग बेल्ट, टेंशनर, वी बेल्ट,
सब हो गया। अब डालने की बारी है इसमें कूलेंट, कूलेंट डालना है इसमें, जो कि 5.5 लीटर के करीब पड़ता है, 5.5-6 के करीब पड़ जाता है। पूरा सारा काम करके इसका इंजन कवर लगा दिया है, कूलेंट डाल दिया है टैंक में, अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे। करते हैं गाड़ी स्टार्ट, देखते हैं। गाड़ी हमारी हो गई स्टार्ट। ये पसाट न्यू मॉडल है, ये है अपना 18 मॉडल है। इंटीरियर इसका देख सकते हैं, डैशबोर्ड, वाह, थोड़ा इसी भी चला लें भाई। वाह भाई, बंद कर दिया, स्टार्ट कर दिया, काम हो गया हमारा। अब टायर लगाएंगे, बाकी थोड़ी मोड़ी जो फिटिंग है, व्हील हाउसिंग लगाना है, वो लगा के गाड़ी भेज देंगे। थैंक यू सबको, जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखा, सो थैंक यू।